बीते रविवार को आपने देखा होगा कि एक स्टैंड अप कॉमेडियन जिसका नाम है मुनव्वर फारूकी, जो इससे पहले कंगना रनावत के शो लॉकअप को भी जीत चुका है, वो इस बार बिग बॉस जीता है। तो भैया ये कौन है, ये आपको याद ही होगा, जो रामायण के लिए अब शब्द कहने वाला मुनव्वर फारूकी है। ये वही मुनव्वर फारूकी है जो माता सीता के ऊपर अभद्र टिप्पणी करता है। ये वही मुनव्वर फारूकी है जो आए दिन कुछ न कुछ हिंदू समाज के लिए बोलता रहता है, भले उसका ज्ञान हो या ना हो। सबसे बड़े ज्ञानी यही है बाबा। और उसके बाद आज ये जीत गए हैं बिग बॉस का सीजन। तो भाई साहब सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जीते कैसे, बिना हिंदुओं के वोट के तो ये जीते नहीं होंगे। हिंदुओं को तो ये दिखता नहीं है, उन्हें तो चाहिए इंटरटेनमेंट। इंटरटेनमेंट के लिए वो किसे भी वोट दे देंगे, कोई भी उनको गाली देगा, मुंह पे थूक देगा, लेकिन वो लोग वोट देंगे क्योंकि उन्हें पसंद है ड्रामा। और बिग बॉस में होता है भर भर के ड्रामा। कुछ ऐसे आजकल के यूट्यूबर पत्रकार हैं जो इसे खुल के सपोर्ट करते हैं। जाते तो राम मंदिर हैं, बढ़िया से लिपस्टिक लगाया हुआ गोरा गोरा चेहरा लेके, नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनका नाम भी एस से शुरू होता है और एम से उनका सरनेम शुरू होता है, उन्हें बहुत चुल मची रहती है इस तरीके के वीडियो बनाना बिग बॉस पे। उनका गाड़ी जो चल रहा है ना, इसका पत्रकारिता का जो उनका कैरियर है वो बिग बॉस से शुरू होता है और क्रिकेट और इंटरटेनमेंट तक ही घूमता रहता है। तो भैया वो नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि उससे उनको इनकम होता है। तो वो इस तरीके के वीडियो बनाते हैं, और कभी सरफराज अहमद को लेके वो वीडियो बनाते हैं, कभी वो बिग बॉस को लेके वीडियो बनाते हैं। कुल मिला के वो इसी तरीके की फालतू बातें करते हैं। और फिर उसके बाद वो राम मंदिर जाते हैं और राम भद्राचार्य जी के गले मिलते हैं और अपने आप को बहुत बड़ा राम भक्त दिखाते हैं। खैर मुनव्वर फारूकी जीत गए, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, ना मैं देखता हूँ। लेकिन ये न्यूज़ चल रहा था तो मुझे लगा कि मुझे भी अपनी टिप्पणी दे ही देनी चाहिए, जब जब सब लोग दे ही रहा है तो। और मैं तो टिप्पणी दूंगा तो जहरीले ही दूंगा, क्योंकि इसके बोले जो जहरीले जहरीले निकलते हैं हमारे हिंदू समाज के लिए, तो मेरा भी हक बनता है कि मैं भी जहरीला जहरीला बात करूं इस व्यक्ति के लिए, क्योंकि ये व्यक्ति ही ऐसा है कि इसको देखते ही मुझे खून खौल जाता है। इसका आदत ही ऐसा है बोलने का कि इसके बातों से खून जलता है। खैर उन लोगों का तो बात ही छोड़ दीजिए जो इसे वोट करके जिताए हैं, शायद उनके तो रीढ़ की हड्डी ही नहीं है कि ऐसे फालतू लोगों को स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पे जो फुहड़ता करते हैं स्टेज पे खड़ा होके और हमारे देवी देवताओं के खिलाफ अंड संड बातें करते हैं, उन लोगों को ये जिताते हैं। तो शायद उनके अंदर आत्मसम्मान नाम की चीज़ मर चुकी है, तभी तो वो इस तरीके के बेमतलब के बेफालतू आदमी को वोट दे के जिता रहे हैं। खैर हमारे हिंदू धर्म आजकल कुछ ज़्यादा ही सेकुलर हो गया है, अगर इनकी माँ के ऊपर कोई टिप्पणी कर दे तो इनको बुरा लगेगा। लेकिन हमारी जो माँ है, जो हम सीता माता कहते हैं, प्रभु श्री राम को हम अपना पिता तुल्य मानते हैं, जिनके मंदिर बनने पे लोग आंसू बहाते हैं, उन सीता माता को, उन राम जी को जो इंसान गाली देता है, उसको हाथ में मोबाइल रखे उसके लिए वोट आपके हाथ से अगर दब रहा है तो आपका हाथ का उंगली टूट जाना चाहिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपसे ज़्यादा निर्लज व्यक्ति कोई नहीं होगा जो इस तरीके के वाहियात आदमी को, मुनव्वर फारूकी जैसे व्यक्ति को वोट दे के बिग बॉस जिताया है। मुझे कोई लेना देना नहीं है कि सलमान खान होस्ट कर रहे हैं या मुनव्वर फारूकी जीत गया या बिग बॉस कोई सा भी शो हो, मुझे इस बात से तकलीफ है क्योंकि मुनव्वर फारूकी जीता है। वो व्यक्ति जीता है जो भगवान के विरुद्ध बोलता है, भगवान को गंदी गंदी बातें बोलता है, माता सीता को खिलाफ एक बहुत ही अश्लील अश्लील टिप्पणी करता है, वो मुनव्वर फारूकी। उसके जगह पर अगर कोई और व्यक्ति जीत जाता, वो भी मुसलमान होता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो सभ्यता के साथ रहता। लेकिन इस तरीके का दो कौड़ी का घटिया व्यक्ति अगर बिग बॉस जीतता है तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे हिंदू समाज का अपमान है। और इस अपमान के लिए मैं हिंदू जो सो कॉल्ड सेकुलर अपने आप को समझते हैं उनके ऊपर 100 बार थूकता हूं, और उन पत्रकारों के ऊपर भी थूकता हूं जो अपने आप को बहुत बड़े राम भक्त साबित करने के चक्कर में इस तरीके की बातों को थोड़े से व्यू के लिए करते हैं
और उन्हें सपोर्ट करते हैं और बहुत बड़ा बड़ा बात बोलते हैं कि मुनव्वर फारूकी जीत गया, मुनव्वर फारूकी जीत गया। भैया थोड़ा मुंह पे मेकअप कम करो, फिल्टर कम लगाओ, होठों पे लिपस्टिक लगा लेने से और किसी न्यूज़ चैनल से उठ के आ गए अपने आप को चमकाने के लिए, अगर तुम बना रहे हो वीडियो थोड़ा सोच समझ के बनाओ, क्योंकि ये व्यक्ति वही है जो भगवान श्री राम को और माता सीता को गाली देता है। मैं उन सभी सेकुलर हिंदुओं से पूछता हूँ जो वोट किए इस आदमी को, कि आप लोगों ने देखा जब ये ट्रॉफी लेके पहुँचा है अपने सो कॉल्ड सेकुलर जगह पे, वहाँ पर किस तरीके से इसका स्वागत हुआ और किस तरीके के नारे लगे, किस तरीके से वहाँ पर हंसी उड़ाया जा रहा था हम जैसे हिंदुओं का। ये वही इलाके हैं जहाँ पर इन जैसे दुष्ट पापी लोग पैदा होते हैं और वहाँ से अपने मन में इस तरीके के जहर पैदा करते हैं, और इन लोगों को आप सपोर्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोग भी इसके दोषी हैं। देश में जो भी हो रहा है एक समुदाय को लेके, तो उसके लिए भी आप ही लोग दोषी हैं। इन जैसे लोगों को सपोर्ट करना बंद करें जो देश के लिए वाकई में काम कर रहा है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि और आगे बढ़ चढ़ के बोलना चाहिए और आगे बढ़ चढ़ के काम करना चाहिए देश हित में। लेकिन इन जैसे लोगों का कोई भी मतलब नहीं है इस देश के लिए, ना ये अपने लिए कुछ कर सकते हैं सिवाय गाली देने के लोगों को, जिससे एक लोग खुश हो सके, ये लोग देश के लिए कभी कुछ नहीं कर सकते हैं। इन जैसे पत्रकार जो मुंह पे लिपस्टिक लगा के घूमते हैं, ये लोग भी देश के लिए कुछ करते नहीं है, ये क्षण भर में इधर से उधर पलटने वाले लोग हैं, तो इनका भी विश्वास ना कीजिए। इसी के साथ मैं भी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।